करेरी लेक सीरीज का आज ये तीसरा एपिसोड है। अभी तक हमने करेरी विलेज से करीब करीब 4 और नोली ब्रिज से 1 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए चलते हैं आगे के सफर पर। ये एक छोटा सा शेल्टर लिया है हमने इस पत्थर के नीचे, और ये कैमरा को पानी से प्रोटेक्ट करने के लिए अम्ब्रेला ओपन किया है ताकि कैमरा सेफ रहे। इस वक्त जो वाटरप्रूफ जो कंपार्टमेंट है जहाँ चार्जिंग होती है वो निकाला हुआ है क्योंकि माइक कनेक्ट किया था। और ये है हमारे गाइड, आ जाओ जगह है। हाँ शुक्र है ज़्यादा नहीं पड़ रहा। हाँ ऐसा ही लग रहा है, ऊपर तेज होगा। हाँ लीजिए, मुझे काफी टाइम बाद स्नो देखने को मिलेगी, कंफर्म हो गया लगता है। हमारे गाइड का कहना है कि अगर यहाँ इस तरह से ओले गिर रहे हैं तो ऊपर तो पक्का बर्फ गिर रही होगी। 100% है। ये किसका घर है? पेड़ खोखला है। सांप निकला तो अभी यहाँ से सीधे सीधे छलांग मारोगे नीचे? मैं नहीं मारूंगा, सांप छलांग मारेगा मुझसे। देख लीजिए बंद हो गया, निकलते हैं वापस अपनी जर्नी पर करेरी लेक के लिए। यही नहीं बनाया इसलिए बनाया, ये देखो। पेड़ ने अपनी निशानी दे दी मेरे को। दिस ट्रैक इज़ गेटिंग पॉपुलर डे बाई डे। देखिए कितने लोग हैं जो जा रहे हैं करेरी लेक ट्रैक के लिए इन दिनों। ये यहाँ जाने के लिए बेस्ट टाइम है और फुली रिकमेंड करते हैं कि आप भी इन दिनों में यहाँ ज़रूर आइए। क्या शानदार सीढ़ियाँ हैं जो यहाँ स्टार्ट होती हैं और ये लगातार आपको देखने को मिलेंगी वहाँ तक जहाँ वो अभी हमारे ग्रुप मेंबर हैं एक। जी दोस्तों, वर्ल्ड स्टोन के इस कैफ़े का नाम है और एक और कैफ़े यहाँ देखने को मिलेगा आपको डिस्टेंस वाइज करीब करीब 2 किलोमीटर। किसी ने भी रास्ते का झील से ऊपर जो झील कैफे है उससे ऊपर का किसी ने भी रास्ते का वीडियो डाला है, मे बी इसलिए क्योंकि रास्ता बहुत ही स्टीप है और चढ़ाई मुझे मुश्किल लग रही है। और लगता है इतना मुश्किल लग रही है कि ओ प्लीज इतना भी नहीं है, पर है डिफिकल्ट तो है। और स्पेशली बिकॉज ऑफ दीज स्टेयर्स नो, इट्स लाइक 10 माले की बिल्डिंग को चढ़ना, यू नो कैन यू से दिस थ्रू आउट स्टेयर्स। बट एनीवेज दैट्स द फन राइट, दैट्स व्हाई वी आर हियर। सो लेट्स एंजॉय एंड आई विल कीप अपडेटिंग यू हाउ इज द ट्रैक एंड अबाउट द डिफिकल्टी लेवल and some highlights as well. एक और जगह है जहाँ आपको कन्फ्यूजन हो सकता है ट्रैक को आइडेंटिफाई करने में। एक है रास्ता देखिए जो जा रहा है और एक रास्ता ये है जो जाएगा इस तरफ। तो आपको ये इस तरफ छोटा रास्ता नहीं लेना है, आप जाएंगे इस वाले रास्ते से तो पहुँचेंगे करेरी लेक। मुझे लगता है तगड़ी बारिश होने वाली है और जहाँ तक मैं भाई समझ पा रहा हूँ, चेक कर देख उस तरफ देखिए वो सब दो डिंगे देख रहा कलाकार है या उस तरफ गिर रहा है ऊपर ही उठ के और इस तरफ देखिए बादल दिक्कत हो गया जब ना हुई दिक्कत करेंगे किस तरह से बरसने की तैयारी करते हुए। सामने एक शेल्टर नजर आ रहा है, हम जल्दी से चल के उस शेल्टर में जाने की कोशिश करेंगे ताकि तेज बारिश के हालात में हम खुद को बचा सके। और ये है मेरे शंकर के साथ ओले, और हमें जल्दी से पहुंचना होगा किसी शेल्टर तक। रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ेगी क्योंकि कैमरा पे पानी जाने का खतरा, चार्जिंग सॉकेट के ऊपर कवर नहीं है इस वक्त। तो
देखो भैया ऊपर देखना करीब आधा घंटा रुकने के बाद और बारिश के रुकने के बाद हमने वापस स्टार्ट किया है अपना ट्रैक। और अच्छी बात यह है कि अब सीढ़ियाँ चढ़ना नहीं है, उतरना है। अरे नहीं, देखिए कहने की देर थी, ये मैं सीढ़ियाँ उतरने की बात कर रहा था और वो देखिए कहाँ चढ़ के जाना है। ये यहाँ से हम नीचे उतर रहे हैं और ये है सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के आगे निकलती हुई। तो चलिए वापस ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं। ये कहा गया था हमें कि थ्रू आउट क्लाइंब है, तो क्लाइंब चढ़ते हुए। और गुडनेस, इस लड़की को देखिए सबसे आगे है। वेरी नाइस, कीप इट अप गर्ल। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। देखिए कितने खूबसूरत नज़ारे हैं ये। आज हम लोग यहाँ रुकेंगे क्योंकि लोकल लोग जो यहाँ खड़े हैं इनका कहना है कि मौसम ठीक नहीं है, ऊपर बर्फ़ गिर रही है और इस सिचुएशन में ऊपर ट्रैक करके जाना अकलमंदी नहीं है। तो आज रात हमारा बसेरा होगा इस जगह पर। ये उन लोगों की बात मानकर सब लोगों ने यहाँ टेंट लगाना शुरू कर दिया है। ये लोग भी आज यहीं रुकेंगे और देखिए क्या खूबसूरत व्यू है इस वक्त, शानदार है ये। लीजिए, अपने बंदे ने तो टेंट लगाना शुरू भी कर दिया। टेंट इस गुफा में ना लगा लो, प्लेन एकदम यहाँ आग भी जला सकते हैं। तो शंकर ने यहाँ पे लगा लिया है टेंट इस जगह पर और नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत दिखने वाला है। यहाँ पर हो गया टेंट और ये है पानी बहता हुआ। ये पानी आता है करेरी लेक से ऊपर से होता हुआ और जाएगा नीचे वही नौली खड या नौली ब्रिज के पास। और मैं सोच रहा हूँ कि इस गुफा के अंदर टेंट लगाऊँ, हवा से भी बचे रहेंगे। वैसे टेंट के अंदर हवा लगती नहीं, थोड़ा लकड़ी जलाने की मैं कोशिश भी करूँगा। तो ठीक है, बैग उठा के ले आता हूँ और यहाँ ट्राई करता हूँ टेंट लगाने का। चलिए चलते हैं, फिर कुकिंग भी करनी है आज। देखिए ये है टेंट, इतना साफ़ सुथरा टेंट है, कमाल है भाई। ऐसा लगेगा कि कई बार यूज हो चुका है, 10 बार यूज कर चुका हूँ, 10 बार एक दाग तक नहीं है कहीं पे। 10 बार यूज। और ये रोप देख रहे हैं आप, मेरी वाली रोप्स गंदी हुई पड़ी है और ये रोप्स देखो आप, 10 बार एकदम शाइनिंग। 7 दिन श्रीखंड में लगाया इसको, 7 दिन तक। तुम धोते हो क्या हर बार? बिल्कुल, कभी भी नहीं धोया ही नहीं आज तक। तो गंदा क्यों नहीं है ये? फिर वही बात आ गई ना, आप क्या कह रहे हो, खूबसूरत से नज़ारे दिख रहे हैं और ये वाकई अच्छी जगह है रात को रुकने के लिए। और स्पेशली जब कहा जाए कि रिस्क नहीं लेना चाहिए तो ठीक है, रिस्क नहीं लेंगे। थोड़ा लकड़ियाँ लेके आते हैं, लकड़ी जलाएंगे आज। शंकर कैसा लग रहा है करीरी लेक का यहाँ तक का सफर? बहुत बढ़िया भाई साहब, मज़ा आ गया। मैं तो कहूँगा, सबको सजेस्ट करूँगा कि एक बार लाइफ में करीरी लेक का जो ट्रैक है ये जरूर करें। ऐसा ही अपना खुद का सामान लेके आए, इंजॉय करें, यहीं पे खाना बनाकर बनाएं। ऐसा ही कुछ मेरा मानना भी है। जो यहाँ नज़ारे हैं आप जैसे सामने देख सकते हैं, ये देखिए बादलों के पीछे छुपे हुए पहाड़, देवदार के पेड़ और गोल्डन कलर की घास, जो ये संकेत देती है कि सर्दियां जाने लगी हैं और बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। कितने लोग हैं जो यहां आ रहे हैं ट्रैक करने के लिए। एक चीज़ तो मैं दावे से कह सकता हूं कि ये ट्रैक काफ़ी पॉपुलर हो रहा है आजकल, लोग यहां आना पसंद कर रहे हैं और आपको भी आना चाहिए। मेरा तो ये कहना है कि जगह वाकई अच्छी है। कैंपिंग के शौकीन को तो हम जरूर सजेस्ट करेंगे कि आप अपना खुद का टेंट और अपना पूरा सेटअप लेके आइए, ताकि आप प्रॉपर तरीके से यहाँ की जो नेचर है उसको एंजॉय कर सको। बाकी कोई ट्रैक ही इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत अच्छा ट्रैक है ये।
एंड खास बात ये है कि आपको जल्दी नहीं करना है, आप बस नज़ारे एंजॉय करते हुए चलिए। स्टार्टिंग का टेरेन जहाँ हरे भरे पेड़ों के बीच से होकर के निकलता है, उसके बाद सेकंड फेज़ में आपको बहुत बड़े बड़े पेड़, उनके खूबसूरत शेप, और बाद में थर्ड स्टेज पे आपको ये पहाड़ जो इस वक्त आप देख रहे हैं। थ्रू आउट द ट्रैक ये बहता हुआ पानी आपको ऐसे ही अपनी आवाज़ या अपना मधुर संगीत सुनाता रहेगा, जैसे इस वक्त यहाँ हमें भी सुना रहा है। सोचिए रात ऐसी जगह पे रहना किस तरह का एक्सपीरियंस रह सकता है, हो सकता है। चलिए हम लोग भी टेंट लगाते हैं और सेटअप करते हैं आज का स्टे का ऑप्शन। मेरे ख्याल दिन के 2 ही बजे होंगे, अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, तो काफ़ी टाइम है इंजॉय करने के लिए, कुकिंग इंजॉय करने के लिए, और आज एक डेमो भी तो करने वाले हैं हम लोग।